आपके साथ रुतिका सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच में महायुद्ध लगातार जारी है और इसी महायुद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव से जहां आज रात से 36 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, अगले 36 घंटे यानी कि 17 मार्च की सुबह तक कीव के लोगों पर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। 36 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है यूक्रेन सरकार की तरफ से, जो कि आज रात से लागू होगा। यूक्रेन सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। राजधानी कीव पर सबसे ज्यादा इस वक्त हमले होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में स्थिति को देखते हुए, क्योंकि लगातार आप देखिए किस तरीके का खौफनाक मंजर वहां पर बना हुआ है, लोगों की जान जा रही है, लोग पलायन करने को मजबूर है। अभी तक 30 लाख लोग पलायन कर चुके हैं और ऐसे में यूक्रेन सरकार की तरफ से 36 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान किया गया। दूसरी ही तरफ हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में भारी तादाद में जो लोग फंसे हुए हैं उनसे भी लगातार अपील की जा रही है कि आप जल्द से जल्द जहां पर हैं वहीं पर रहे, बंकरों में अपने आप को पहुंचाएं ताकि आप महफूज रहे, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी वक्त रूस की सेना जो है हमले करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में पूरा का पूरा फोकस अब आ चुका है राजधानी कीव पर और ऐसे में 36 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है यूक्रेन सरकार की तरफ से, जो कि आज रात से लागू होगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव में एक इमारत में भीषण आग लग गई जिसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरी इमारत में फैल गई और हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। इमारत में लगी आग को बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां वहां पर मौजूद रही जो आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से रूसी हमले में इमारत में भीषण आग लगी। ये आग की ऊंची ऊंची लपटें जिन्हें बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां जो है वहां पर मुस्तैद रही और कड़ी मशक्कत के बाद कुछ हद तक इस आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन दूसरी ही तरफ इस रिहायशी बिल्डिंग में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें भी बाहर निकाला गया, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। एक तरफ रूसी हमलों को काउंटर अटैक यूक्रेन की सरकार वहां की सेना करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी ही तरफ जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को निकालने के लिए भी राहत बचाव काम तेजी से जारी है। लेकिन इन कामों में खलल डालने की कोशिश भी रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है। लगातार उन्हीं जगहों पर हमले किए जा रहे हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं और ऐसे में पुतिन की सेना कहां जाकर रुकेगी, इस पर सभी की नजरें। और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी कीव पर मिसाइल से हमला हुआ है, कई घरों में भीषण आग लगी है। मिसाइल हमले से जमीन में गड्ढे हो चुके हैं, लोग दहशत में हैं और यही खौफनाक मंजर पिछले 20 दिन से लगातार जारी है और अब कीव पर मिसाइल से हमला रूस की सेना की तरफ से किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से मिसाइलों के जरिए हर एक जगह पर इस तरीके का मंजर यहां पर नजर आ रहा है। हर एक बिल्डिंग मलबे में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, खंडर होता हुआ हर एक शहर, हर एक इलाका और शहर दर शहर। इसी तरीके से पुतिन के निर्देश पर रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई अटैक इस वक्त किए जा चुके हैं राजधानी कीव पर और ऐसे में अब 36 घंटे क्या भारी रहेंगे, क्योंकि 36 घंटे के लिए कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। और क्या अब सवाल यही है कि राजधानी कीव को इतनी 36 घंटों में बचा लिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटम तो जारी कर दिया गया यूक्रेन सरकार की तरफ से 36 घंटे के कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही। और यूक्रेन के शहरों पर रूस की बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूसी सेना मिसाइल रॉकेट से हमले कर रही है, रात हो या दिन हर वक्त युद्ध जारी है, आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर बमबारी का खुद वीडियो जारी किया, ये 5 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से खारकीव में बमबारी तेज होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही बस स्टॉप पर भी हमला किया गया है, इसके साथ ही शहर दर शहर लगातार मिसाइलें दागी जा रही है और रूस के जो मिसाइल अटैक है उनका काउंटर जवाब भी यूक्रेन देता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन की से भी बमबारी की गई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच 20 दिनों से जंग लगातार जारी है। रूस सेना लगातार यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रही है। ताजा वीडियो खारकीव का है जहां पर रूस सेना ने एक रिहायशी इलाके पर हवाई हमला कर दिया। इस हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई और मलबे में तब्दील हो गई। वहीं हमले की वजह से सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, वहीं मौके पर पहुंची राहत और बचाव टीम ने आग को बुझा लिया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कई इमारतें इसी आग की तो में पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। खारकीव पर इस वक्त हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो शहर है जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे के पूरे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो इसी शहर पर टिकती है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना के हमलों से यूक्रेन में तबाही मची है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में भी रूस ने हमले तेज कर दिए हैं।
खार्किव से रूसी हमले का एक वीडियो सामने आया है। वहां तेज आवाज के साथ जोरदार धमाका हुआ जिसकी वजह से खार्किव शहर दहल गया। धमाका इतना तेज था कि उसकी दहशत से कुछ देर के लिए सन्नाटा वहां पर पसर गया। ये देखिए किस तरीके से ये धमाकों की आवाज जो कि चारों तरफ गूंजती हुई नजर आई, और यही मंजर हर एक शहर का वहां पर बना हुआ है। खार्किव, खेरसोन और कीव, ये तीन बड़े ऐसे शहर हैं जहां पर लगातार रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले करती हुई नजर आ रही है। खार्किव जो कि यूक्रेन की राजधानी भी रह चुकी है, और ऐसे में खार्किव पर सबसे ज्यादा जोर है कीव के बाद। और ऐसे में यूक्रेन में हमले की तीन तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस क्या अपने मंसूबे लेकर यूक्रेन में घुसा था। शहर के शहर तबाह करती रूसी सेना आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या वाकई पुतिन की सेना के मंसूबे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं जिस मंशा के साथ 24 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत की गई थी। और ये तीन तस्वीरों के जरिए आप समझे किस तरीके का मंजर वहां पर बना हुआ है। स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। पूरी की पूरी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो साफ जाहिर कर रही है कि यूक्रेन के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर है। और ऐसे में कई देश भले ही समर्थन का दावा जरूर करें, लेकिन जमीनी तौर पर अभी तक किसी तरह की कोई मदद यहां पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ज़ेलेंस्की अपने लोगों का, अपनी सेना का हौसला अफजाई जरूर करते हैं अपने वीडियो संदेश के जरिए, लेकिन ये महायुद्ध अभी भी जारी है। और राजधानी कीव के अभेद्य किले में सेंध लगाने के लिए रूस ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है, क्योंकि राजधानी कीव में अगर राष्ट्रपति भवन पर रूसी सेना का कब्जा हो जाता है तो जंग खत्म नहीं मानी जाएगी। और इसी रणनीति के तहत रूस ने अब कीव पर ही पूरा फोकस कर लिया है। राजधानी कीव पर तीन तरफ से घेरा करा हुआ है। रूस ने तीन दिशाओं से राजधानी कीव पर हमला किया। चेर्नोबिल, इसके साथ ही क्रिस्टेन, प्रिलुकी की तरफ से हमला किया गया है। रूसी सेना राजधानी कीव सिटी सेंटर से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है। पुतिन का लीव पर जल्द से जल्द कब्जा करने का आदेश है, और कीव पर कब्जा करने के लिए रूस को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। पुतिन ने शायद सोचा नहीं था कि ये जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी, और इसलिए अब उन्होंने राजधानी कीव का जो संपर्क है दूसरे हिस्सों से काटने का प्लान भी तैयार कर लिया है। कीव के दूसरे हिस्सों से संपर्क काटने की रणनीति यूक्रेन को पोलैंड, रोमानिया और मालदोवा से मदद, पोलैंड को यूक्रेन से जोड़ने वाले जतोमर पर हमला हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूएस, पोलैंड और ब्रिटेन से मिलने वाली मदद यहां पर दी गई है जो कि जतोमर से पहुंचती है, और रूसी सेना यूक्रेन की सप्लाई चेन को काटना चाहती है ताकि जितनी भी मदद यहां पर पहुंचाई जा रही है उसे फिलहाल बाधित कर दिया जाए। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के खेरसोन से जहां रूसी सेना ने भीषण हमला किया है, रूस ने खेरसोन पर कब्जे का दावा किया है। रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेन की सेना के तबाह किए गए टैंक दिखाए गए हैं। ये देखिए यूक्रेन की सेना की ये टैंक, जो कि रूस की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें ये दावा रूस करता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए किस तरीके से वहां पर तबाही हम मचा रहे हैं, एक के बाद एक टैंक तबाह किए जा रहे हैं। खेरसोन पर रूस की सेना के हमले लगातार जारी है, और इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया, खेरसोन पर कब्जा करने के बाद हमले तेज हो चुके हैं, हर जगह इस वक्त रूस की सेना नजर आ रही है, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब वहां के आम लोग, वहां की सेना नजर आ रही है। और एक के बाद एक कई वीडियो भी रूस जारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी ये तमाम दावे कर रहा है कि देखिए नुकसान पे नुकसान हम रूस को पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि अभी प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरीके से इस महायुद्ध पर विराम लगे और जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है, और ऐसे में पुतिन की सेना की स्ट्रैटेजी दिन ब दिन बदलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन के एक बहुमंजिला इमारत जो कि लगभग तबाह हो चुकी है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। उनमें दमकल कर्मी इमारत में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कई मंजिला ये इमारत है जिस पर यह हमला हुआ है। रूस ने निशाना बनाया इस इमारत को, और ये पूरी की पूरी इमारत जो कि इसी तरीके से तबाह होती हुई राख में तब्दील होती हुई, हालांकि दमकल की कई गाड़ियां वहां पर मुस्तैद रही जिन्होंने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इसी तरीके की तस्वीरें हर एक शहर से, हर एक इलाके से सामने आ रही है जहां पर मिसाइल अटैक के जरिए ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और युद्ध के 20वें दिन यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक
ये दावा किया गया है कि वो रूस को ये जंग इतनी आसानी से नहीं जीतने देगा। यूक्रेन का दावा ये है कि उसने 13,500 रूसी सैनिक मार गिराए हैं, रूस के 81 विमान मार गिराए गए हैं। इसके साथ ये दावा किया गया कि रूस के 95 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए हैं, रूस की 404 टैंक यूनिट नष्ट कर दी गई है, रूस की 150 तोप तबाह कर दी गई है। इसके साथ ही रूस के 64 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी तबाह कर दिए गए हैं। एक और दावा यहां पर किया गया वो ये कि 1,279 बख्तबंद गाड़ियां जो रूस की है वो तबाह कर दी गई है, रूस के 640 दूसरे सैन्य वाहन तबाह कर दिए गए हैं और 9 रूसी ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। रूस की 3 नाव भी तबाह करने का दावा यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही रूस के 60 फ्यूल टैंक नष्ट करने का दावा यूक्रेन यहां पर कर रहा है कि देखिए किस तरीके से नुकसान पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इसके साथ ही